जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही देश भर में सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए देखने को मिलेगा। लेकिन इस 24 के महाघमासान से पहले ही अभी यहां पर सामाजिक मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है मणिपुर राज्य। मणिपुर में बीते 3 महीने से हिंसा देखने को मिल रही है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी ने 100 सवाल खड़े कर दिए हैं। हस्तक्षेप की मांग की जा रही है कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को इस मामले में अब अपनी बात रखनी चाहिए। मणिपुर उन्हें जाना चाहिए, दौरा करना चाहिए और यहाँ की आवाम के लिए उन्हें अहम फैसला जल्द से जल्द सुना देना चाहिए। लेकिन इस मामले से हटकर अब राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी है किसी अन्य मुद्दे पर। जी हाँ, आपको बताने जा रहे हैं इस खास प्रोग्राम के जरिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अलग अलग राज्यों का दौरा करती हुई नजर आ रही हैं और इसी बीच उन्होंने ओडिशा पहुंचकर डंकी की चोट पर अपनी बात रखी है न्याय व्यवस्था को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही है नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि देश की महामहिम राष्ट्रपति जो डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं कई अहम मुद्दों पर। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया संसद में और इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से। अब देखा जाए तो इस मामले में पीएम मोदी को ना चाहते हुए भी अपनी बात रखनी पड़ेगी जब वह संसद पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई ओडिशा। 3 दिवसीय दौरे पर वह नजर आई और इस दौरान उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। जो न्याय होता है, जिस न्याय में देरी होती है, उसके चलते कई लोगों को जेल में लंबे वक्त तक सजा काटनी पड़ती है, इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं, सुनिए जरा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च न्यायालय के 75वें प्रतिष्ठा दिवस पूर्ति समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। जवाहरलाल नेहरू इंडो स्टेडियम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। जय जगन्नाथ के साथ अपना अभिभाषण इन्होंने शुरू किया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद जवानों को राष्ट्रपति ने नमन किया। वहीं ओडिशा के शहीद पदम पाड़ी आचार्य का भी उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख किया। राष्ट्रपति का कहना साफ तौर पर रहा कि समाज के अनेक वर्ग हैं जो मुकदमा नहीं लड़ सकते, ऐसे में न्याय से वंचित लोगों को किस प्रकार से न्याय मिले, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राष्ट्रपति का कहना रहा कि हमें पता है कि अनेक वकील हैं जो मुफ्त में सेवाएं दे रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं। वह कहती हैं ओडिशा हाईकोर्ट मात्र 4 न्यायाधीश से शुरू हुआ था और आज इस उच्च न्यायालय में 33 न्यायाधीश हैं। उनका कहना रहा ओडिशा हाईकोर्ट ने अनेक सफल न्यायाधीशों की सृष्टि की। अपनी स्थापना से लेकर आज तक इस हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। इस उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। ओडिशा हाईकोर्ट ने देश का मुख्य न्यायाधीश भी दिया है। राष्ट्रपति ने यहां से कारगिल दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। उनका कहना रहा कि भारत के इतिहास के लिए आज गौरव का दिन है और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई। इस तरह से राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी। मंच से वह न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आई। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि विलंब से न्याय मिलने से पीड़ितों को परेशान होना पड़ रहा है, इसके लिए कईयों का जीवन जेल में कटता है। न्याय में देरी के कारण पीड़ित भी हताश हो रहे हैं, तो त्वरित न्याय पीड़ित एवं निर्दोष दोनों के लिए सहायक होगी। वंचितों को उपयुक्त न्यायिक सुविधा मिलनी चाहिए। ये बातें मैंने पहले भी कही, अब पुनः दोहरा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे सामान्य लोगों को भी आसानी से न्याय मिल सकेगा। तो फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने न्याय व्यवस्था पर चिंता जाहिर कर दी है। अब देखा जाए द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वह आगे चलकर मणिपुर का दौरा करती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन अपनी एक और खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि संसद में किस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर हंगामा मचते हुए नजर। ओके, माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है, ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई
कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में यह अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है, मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा करकर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी, कई सारे उपाय किए माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है कि बिल ये सदन के पारित करने के साथ ही देश के सहकारिता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं अभी जो नारे लगा रहे हैं उनको ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है, तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं, सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आ, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है, मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है। आपने सुना कि किस तरीके से पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और राष्ट्रपति से मांग भी इस वक्त जारी है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में यहां पर राष्ट्रपति इस मामले पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों से मांग उठ रही है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रपति के नाम पर। और दूसरी ही तरफ महाराष्ट्र से पूर्व उप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना रहा कि लोकतंत्र बचेगा नहीं अगर ऐसी ही सियासत तेज रही। मणिपुर की जो राज्यपाल है वह भी महिला है और हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वह भी महिला है, आदिवासी समुदाय से वह ताल्लुक रखती है, तो ऐसे में जो जातीय हिंसा देखने को मिल रहा है मैतई और कुकी समुदाय के बीच, उसे देखते हुए अब जल्द से जल्द राष्ट्रपति को इस मामले में फैसला लेना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। हमारे इस आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।